रामैया कारणे कारणे कवन अबोले कारण कवन अबो चिर पयो दर्शन देके चिर पयो दर्शन देके बल जा रामैया कारणे कारणे कवन अबोले कारण कवन अबो चिर पयो दर्शन देके चिर पयो दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे शब्द भगत रविदास जी का है। भगत रविदास जात के चमार सन। इन्हों का पिता जुतियां गंढण का काम करया करते सन। रविदास जी वड्डे होए ता ए भी ए काम करन लग पए, पर सुभा ऐसा किसे ने पैसे दिते ता भी ठीक, जे नहीं दिते ता भी कहना चंगा भाई तू जुत्ती लै जा, पैसे नहीं ता ना से। माता पिता ने सोचिया जे रविदास इसे तरह ही रहा ता दुकान सारी खाली हो जाएगी। सलाह कीती रविदास की शादी कर दी, घरवाली आएगी ते सुभा बदल जाएगा, जिम्मेवारी पवेगी। रविदास की शादी कर दीती पर सुख नाल घरवाली एहो जी आई जे रविदास जी ने कहना देन ते घरवाली ने कहना सत वचन देन, जे कहना भले लोग के रात है ता कहना सत वचन स्वामी जी रात। दोनों दियां बिरतियां एक हो गई, उसे तरह ही दान पुन कर दे नी ते मां प्यो होर दुखी हो गए। पिता ने कहा रविदास
तेनू जन्म दिता, व्याह दिता, ते कमा के असी तेनू खवा नहीं सकते। तेनू जो चाहिए समान ले ले ते वखरे हो जा। माता पिता ने वखरे कर दिता, रविदास जी वखरे हो गए, चुगी पाले। माता पिता ने इस करके वखरे कर दिता कि रविदास कमाई नहीं करता, माया पीछे मां प्यो ने मोह तोड़ लिया। ते रविदास भगत मन दुखी होया कि मां प्यो भी माया नाल प्यार करते, मन विराग विच आया ते उस परमेश्वर नू रविदास जी अपने मन की अवस्था इउं बयान कर दे। जो तुम गिरवरे तो हम मोरा है परमेश्वर। गिरवर कहंदे ने पहाड़ नू, जे तू पहाड़ होवे ता मैं मोर बन जावां, मैं मोर बन के तेरे कोल रहूं। जो तुम गिरवरे तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पैन चकोरा है परमेश्वर। जे तू चंद बन जाऊं मैं चकोर बन जाऊं, चकोर बन के मैं तेनू ही देखता रहूं। जो तुम चंद तो हम पैन चकोरा, जो तुम दीवरा तो हम बाती है परमेश्वर। जे तू दीवा बन जावी मैं बत्ती बन जावा, बत्ती बन के मैं सड़ा तेरे को दूर ना हो। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाती है परमेश्वर। जे तू तीर्थ होवे तू टिकिया रवे, मैं चल के जावा तेरे दर्शन करा। जो तुम तीर्थ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यू जोरी है परमेश्वर। मैं तेरे नाल सच्ची प्रीत लाई ते बाकियां दे नालों प्रीत तोड़ ली, हुण तू मेरे नालों अपनी प्रीत ना तोड़ी, मैं तेरे नालों नहीं तोड़ता। साजी प्रीत हम तुम स्यू जोरी, तुम स्यू जोरे अवर संग तोरी। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यू तोरे कवन स्यू जोरे। जय जय जाओ तहां तेरी सेवा। मैं जिथे भी जाना यो देखना कि दुनिया तेरी सेवा करती, क्यों कि तेरी सेवा करन दे नाल जमा दी फांसी कट जाती। इस करके रविदास भी तेरे गुण गांदा है कि मैं भी इन्हां बंधना तो बच जावां। जय जय जा तहां तेरी सेवा, तुम सो
ठाकुर और न सेवा तुमरे भजन कटे जम पासा भगत हेत कवे रविदासा चिर पयो तरसन देखे चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो तरसन देखे चिर पयो दर्शन देखे एक दिन भगवान एक ब्राह्मण का रूप धार के रविदास की झुग्गी विच आ गए। रविदास ने अपने सुभाव अनुसार सेवा की थी। ब्राह्मण भगवान जान लगे, कहन लगे रविदास तेरे विच सेवा भाव बहुत है पर तू गरीब है। ए मेरे को एक पारस है, ए तू ले ले, जिन्हों लाएगा वो चीज सोना बन जाएगी, सोना वेच के सोने मंदिर मकान बना, आए गए दी सेवा कर, तेरा रब तेरे ते खुश होवेगा। ते जवाब की दिता, ऐ ब्राह्मण देवता मेरे को इन्ना समा नहीं कि मैं सोना बनावा फिर उन बाजार वेचन वास्ते जावा, जिन्ना चिर मैं सोना बाजार वेचन जावांगा उन्ना चिर मैं परमेश्वर का नाम जपांगा। ते भगवान ने सोचिया मैं पारस इथे रख जाना, कदी ता मन करेगा ते पारस वरत लवेगा। भगवान बूए दे नाल पारस बन के आप चले गए। काफी समय बाद फिर आए, रविदास दी ओही हालत, लोकां नूं जुतियां गंढ के देंदे ने पर अपने पैर नंगे। भगवान कहन लगे रविदास भाई मैं तेनू एक पारस दिता सी। ते भगत जी कहन लगे ऐ ब्राह्मण देवता मैनू ता पता नहीं, जिथे तुसी रखिया सी उथे ही पिया हो। भगवान ने देखे पारस उसे तरह बूहे नाल बजया, पारस खोले, भगवान समझ गए कि भगत ने माया ते काबू पा लिया पर मैं इनू माया देख ही छड़नी। कहन लगे रविदास ओ देख तेरे पीछे की। रविदास ने मुंह उस पासे कीता ते भगवान आलोप हो गए। कंड मोड़ी सामने ब्राह्मण नहीं ते समझ गए ए ता आप भगवान मेरी झुग्गी विच आए। फिर पछतावा लगा, अखां भर आईयां ओ मना ओ रब तेरे सामने आके बैठा तू पहचान ना सके। पर फिर अपने आप नूं तसली दित्ती ते भगत जी ने ये शब्द उचारे चौहान बांधे
मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे है परमेश्वर। तू सानू मोह माया विच बने ते असी तेनू अपने प्रेम दे नाल बने। तू सानू मोह माया विच फसा दित्ता, असी तेरा नाम जप के मोह माया तू छुट जाने, तेरा ही नाम जप के तेनू अपने हिरदे विच असी कैद कर ले। असी ते मोह माया तू छुट गए हैं, तू सामने उते चला गया, हुण कोई ऐसा जतन कर मेरे हिरदे विच निकल के दस, मैं तां तेनू मन्ना। जो हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। इन्हां दिनां विच बनारस गंगा ते अपीज नक्षत्र दा मेला लगदा सी। भगत जी दे घर वाले कहन लगे, स्वामी जी इन्नी दुनिया गंगा नहाण जा रही, मेरा दिल करदा है असीं भी गंगा ते इशनान करन चलिए। रविदास जी कहन लगे, गंगा माई ते जदू इशनान करी दे कोई ना कोई भेटा धरी दी, तेरे कोल कुछ है? कहन लगे, स्वामी जी एक दमड़ी कसीरा है। कसीरा लिया, संग दे नाल बनारस चले गए। की देखिया कि गंगा ते बड़ी भीड़ लगी, कोई कपड़े, कोई सोना, कोई चांदी गंगा माई नूं भेंट कर रहे, कोई डूनिया विच दीवे जगा जगा के रखदे, ते गंगा माई उह सब कुछ रोड़ के लई जांदी। हजारां लोग खलोते, रविदास भगत अपनी घरवाली दे नाल गंगा दे किनारे खलो गए। ओ दमड़ी कसीरा खोले, इशनान करन तो पहला ओ दमड़ी गंगा माई दे पेट कीती, ता गंगा दे विचों पंजा उंगलां वाला एक हाथ बाहर निकले। ओ दमड़ी ओ कसीरा उस हाथ ने फड़ ले, ते आवाज आई, ऐ रविदास गंगा माई ने तेरी भेटा प्रवान की थी। हजारां लोग खलोते सन, हैरान हो गए कि किसे दी भेटा गंगा माई हाथ कट के भी प्रवान कर दी। भाई गुरुदास जी इस गल की शाख भरते हैं, लया कसीरा हाथ कट के गंगा माई ने हाथ कट के ओ कसीरा
ओ दमड़ी प्रवान की थी। ते हर पासे भगत रविदास की जय जयकार होने लग पई। चार वर्ण दे लोग भगत रविदास मथा टेकन लग पए ने। गंगा इशनान करके हुण भगत जी वापस अपने घर आ गए। अमृत वेले जदू बंदगी करन लगते ने, आसन झाड़ते ने, ते पांच मोहर सोने दियां निकलदियां ने। उन्हां मोहरां नूं ठीक करियां समझ के एक पासे रखी जांदे। चंगा ढेर लग गया। एक दिन भाखे आई रविदास, ये ठीक करियां नहीं ये मोहरां नूं, मैं अपनी खुशी नाल तेनू दे रहा। सवेरे एक सेठ आवेगा बहुत सारी माया लैके, ताकि लोग शक ना करन कि इस गरीब कोल इन्नी माया कित्थों आ गई। वह तेरे मंदिर मकान बनावेगा, उन्हों रोकी ना। अख खुल गई, अपनी घरवाली ने उठाया ते कहा, पलिए लोके एहो जिहा एक सुपना आया है। ते घरवाली ने कहा, स्वामी जी जे परमेश्वर की मर्जी है ता मंदिर मकान बनन दियो। दिन चढ़िया, एक सेठ बहुत सारी माया लैके भगत रविदास कोल आया, चरना ते मथा टेके कहन लगा, भगत जी मैं तुहाडी शोभा सुनी, मेरे घर पुत्र कोई नहीं सी, मैं सुखना सुखी, जे मेरे घर पुत्र होया तां मैं रविदास जी दे मंदिर मकान आप बनावांगा। मेरे घर हुण पुत्र होया, मैनूं आग्या दिओ, मैं सोहणे जिहे मंदिर ते मकान बनावां। भगत रविदास ने आग्या दे दित्ती और झुग्गी दी जगह बड़े ही सोहणे मंदिर ते मकान बन गए। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे,